जुबान बेटा। पहला कलमा सुनाओ। पहला कलमा तैयब। तैयब मानी पाक। तैयब मानी पाक। ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जी कल हमारा व्लॉग जो है वो नहीं आया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी जो है वो ख़राब हो गई थी। मैदे का मसला बन गया था। आपको पता है कि अक्सर जो है वो मैदे का मसला जो है बंदे को बन जाता है, बस वही गैस वगैरह का मसला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह दवाई मैंने ली है। कल का सारा दिन भी गुजर गया, परसों का और आज का सारा दिन भी गुजर गया और अभी जाके मेरी कुछ तबीयत जो है वो ठीक हुई है। तो मैंने कहा चलिए अभी जो है छोटा सा व्लॉग जो है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो अब हम लोग आए हुए थे इधर जहाँ पर हमने लगाया हुआ गन्ने का खेत, तो कुछ हमारा गन्ना जो है वो नहीं हुआ था तो इसलिए फिर हमने उसको दोबारा से लगाया ताकि वो हो जाए। तो इस साइड पे जो हमारा गन्ना लगाया हुआ था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। जो मुड्ढी थी नीचे वाली ना वही हो गई है, लेकिन ये वाला मैंने पहले दिखाया था कि ये नहीं हो रहा। इसको ना नीचे से वो क्या कहते हैं कि एक चीज़ को दीमक लग जाती है ना, कीड़ी लग जाती है यहाँ पे पंजाबी में बोलते हैं, वो लग गई थी जिसकी वजह से ये ग्रोथ नहीं कर रहा था। फिर हमने इसको ऊपर रूटर लगा दिया और उसको पहले वाले को ख़राब करके दोबारा से हमने इसमें नया गन्ना लगा दिया है और वही हम लोग देखने आए थे। अब नया गन्ना माशाल्लाह से फिर से शाखें जो है वो निकाल रहा है। यहाँ पे ना इस तरह तकरीबन इसको लगे हुए 2-3 दिन हुए, तो मैंने उस दिन वीडियो आप सबके साथ शेयर करनी थी लेकिन फिर मेरी तबीयत ने साथ नहीं दिया तो मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो फिलहाल हम लोग आज भी लेने के लिए आए हैं गन्ने, क्योंकि हमने कहा कुछ गन्ने जो है वो भी लेकर जाएंगे तो ये सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। हम लोग जो है बाज़ार से भी गन्नेरिया लेते हैं, वहाँ से भी रस जो है वो लेकर पीते हैं, तो क्यों ना हम लोग यहीं से लेकर जाएं। तो ये इस्तेमाल के लिए भी और साथ में काश्त के लिए भी, तो कुछ हमने अपने घर के करीब भी काश्त करना है। तो ये हम लोग लेकर आए हैं कुल्हाड़ी, अभी ये नहीं समझना कि पता नहीं कुल्हाड़ी क्यों लेकर आए हैं, और साथ में ये तुलसी, ये दोनों चीज़ें लेकर आए हैं और अब हम लोग इसको काटेंगे। साथ में मैंने कहा थोड़ा सा चलते फिरते हैं क्योंकि मैं चारपाई पे पड़े पड़े ना मेरे सर में ज़्यादा ही दर्द होना शुरू हो गया था, इसलिए अभी हम लोग आए हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा चल फिर भी आते हैं, आपके साथ माहौल भी शेयर कर आते हैं, गन्ने का खेत भी दिखा आते हैं और साथ में जो है अपने गन्ना जो है वो लेकर भी आते हैं। अभी हम लोग जाएँगे उधर क्योंकि वो खड़ा हुआ है बीज का गन्ना, तो वहीं से हमने पहले बीज लिया था और इधर भी लगाया है और यहाँ से अब उधर भी लेकर चलेंगे। आ जाओ बेटा। मामा जी देखो तीता प्यारा सूरज था। हाँ जी प्यारा सूरज है, अभी सूरज जो है ना वो ढल चुका है, ढल नहीं चुका बादलों में छुप गया है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम गन्ना लेने के लिए, आपने नहीं कहा था गन्ना लेने चले? हाँ जी बोला करो और जी बोला करो, ठीक है? अच्छे बच्चे क्या बोलते हैं? हाँ जी। वेरी गुड, जल्दी जल्दी भागो, लेट हो रही है ना। हाँ जी फिर जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड, भागो। शाबाश, मामा सुभान ने इतना बड़ा नाला क्रॉस कर लिया भाई। मामा जी मैंने पता लिया सही, छलांग लाग गई। जल्दी आ, मेरी हड्डी बांध दी थी। हड्डी बांध दी थी मोहम्मद सुबान कह रहे कि मेरी हड्डी बांध दी थी, मेरी हड्डी बांध दी थी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं गन्ने के खेत में और यहाँ से हम लोग तोड़ेंगे गन्ना, यहाँ से नहीं उधर से जहाँ से हाथ लगा हुआ है इस साइड से नहीं तोड़ना। ये कुल्हाड़ी हम लोग लेकर आए हैं जी गन्ने के लिए। शुरू हो जाए मोहम्मद सुबान? हाँ जी शुरू करे। चल बिस्मिल्लाह पढ़। बिस्मिल्लाह बाबा बाबा दी दन्ने भेंडे
मुझसे नहीं हुआ तो तारिक साहब ने बोला कि मैं करता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी वो ख़राब हुई हुई है, काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इंशाल्लाह दो तीन दिन में ना वापसी रिकवर हो जाएगी। ये बस काफी आप लावना ही इतना है के ले आए फिर मम्मा मम्मा जी सुनसिया पे चल ठीक हो। तो यहाँ पे अभी जी हमने इसको काट लिया है यहाँ से ज़मीन से, तो ये वाला गन्ना जो है ये अब हम दोबारा लगाएंगे और दोबारा से होगा, तो इसको थोड़ा एहतियात से काटना पड़ता है, खसूसी तौर पर इसकी जो आँखें होती हैं ना जहाँ से इसने दोबारा नई पैदाइश करनी होती है। तारिक साहब आँखें दिखाएं, ये वाली एक ये खड़ी है, ये आँख है, ये आँख है, ये वाली है, मतलब हर टोटी पे होती है, टोटी पे होती है आंख, तो इसी से ये दोबारा फोट करता है ना तारिक साहब। आए होना तो पूरा पीस ले जाने है, हां जी घर जाके ये दे मतलब फोट फोट दे कट टाटे करके तो फिर लाइए सर। ठीक हो गया, वो फुट काम करेंगे इसमें, अगर एक या दो टोटियां हुई तो वो समझ ले दो टोटियों में दो गन्ने बनेंगे, है ना तारिक साहब। नहीं बनेंगे, उस दो टोटियों में से पूरा पौधा बनेगा, जैसे ये जैसे जैसे ये वाला एक पौधा खड़ा हुआ है ना, ये आप गन्ने कितने एक दो तीन चार पाँच पाँच गन्ने हैं। तो परिंदे जो हैं वो जा रहे हैं जी घरों को। शाबाश मोहम्मद सुबान, बहुत अच्छा बच्चा है, दुरूद पाक भी पढ़ता है, अव्वल कलमा भी पढ़ता है, फजर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल लो है, लेकिन मोहम्मद सुबान में थोड़ा मुझे लग रहा है, ये भी कभी हो जाता है लेकिन आस्ता आस्ता हो जाएगा। आज फजर बेटी भी कमज़ोर हो गई है ना, मेरी बेटी ठीक हो गया, ठीक हो गया, पूरा पढ़ा करो। यहाँ पर तारिक साहब ने काफ़ी सारे टोटे जो है ना वो कर लिए, मैंने कहा ये पांदा इधर इतना पड़ा हुआ है ना, वो खुद रख गए हैं, कल उठा लेंगे, सही उधर लगा रहे हैं ना वो कमांड। ठीक तो यहाँ पे जी अभी तारिक साहब ने इनको काट लिए, अब खोरी उठा के ना हम इनको बांध लेते हैं, यानी कि रस्सी बना के इस खोरी की, ये जो खुश्क खोरी है ना इसकी, ये वाली जी। हाँ जी वो बाबा बांधेंगे रस्सी बना के, मैंने बस पकड़ा हुआ, ये बन गई रस्सी, आप भी रस्सी पकड़ोगे। ये ले, ये बन गई गट्ठी, क्या बन गई गट्ठी बन गई। बिल्कुल नहीं जमदे, बिल्कुल नहीं जमदे, मेरे वजन ही ज्यादा है। चल हस्बी अल्लाह, उठी 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 शा फजर, चल 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 डांडे वड्डे होंदे बेटा, ऐसा चल लो भागो नहीं सुबान। यहाँ पे जो भी गट्ठी जो है ना वो हमने उठा ली है, फजर कहती थी मामा मैंने उठानी है, लेकिन ये काफी वजनी है, गन्ना है ना, खोरी तो नहीं है। चले तो यहाँ पे खड़ी हुई है हमारी मोटरसाइकिल, आज हम लोग जाएंगे मोटरसाइकिल पे। तो आज की हमारी जो अफ्तार है ना वो अम्मी जान तैयार कर रही हैं, तो माशाल्लाह अम्मी जान सालन जो है वो बहुत अच्छा बनाती हैं, बस एक काम उनसे नहीं होता, वो मैं खुद भी नहीं उनसे करवाती, घर की सफाई वगैरह, खाना वो बना लेती हैं। अच्छा तारिक साहब को जो बहुत ज़्यादा पसंद है, कहता है बस मेरी माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है, तो वाकई माशाल्लाह वो
कम मिसाले डालकर भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो अभी हम लोग चलते हैं जी। सूजी नहीं तेज बजदी, बजदी नहीं ये बजदा है, ये डॉगी है। मोहम्मद सुबान को है कि ये वो जैकी की तरह ना कहता है कि ये भी जैकी है, इसलिए इसको सूजी बोलता है। इधर आओ, उधर उसके पीछे जा रहे हैं। तो अभी हमने गन्ने जो हैं वो लाकर रख दिए हैं, क्योंकि गन्ना हम लगाएंगे कल सुबह फर्स्ट टाइम। और अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर चारे में, हरा हरा चारा, और इसको देख कर आँखें जो है ना वो भी वो हो गई हैं, खुशगवार सी हो गई हैं। तो ये सुबह के लिए हम चारा जो है वो काट के रख लेते हैं, क्योंकि सुबह टाइम जो डालना होता है ना उस टाइम इसके ऊपर नमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए कोशिश करते हैं कि शाम को ही काट के रख दें, खसूसी तौर पर भैंस के भाड़े के लिए। अब वो कट्टे पे नहीं, भाड़े पे मिलती है, जो थोड़ा सा डाल के उसको दूध निकाला जाता है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से चारा जो है वो बहुत ही अच्छा हो चुका है। और सूजी का काम जाकर ये गंदम में भी ऐसे ही करता है और यहाँ पर भी ऐसे ही कर रहा है। अच्छा जी, तो इसका नाम सूजी है, हमने बताया नहीं था। ये उन्होंने खुद ही रखा हुआ था जिन्होंने दिया है ना। ये तो ऐसे ही तारिक साहब उन्होंने बताया, पहले हमें समझ नहीं आती थी ये ना, दो दिन रोटी भी नहीं खाता था, कोई चीज़ खाता नहीं था। फिर उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये फलां फलां चीज़ खाता है और बाकी इसका नाम सूजी है, अगर उससे पुकारोगे तो फिर ये आराम से आएगा। हाँ जी, ले जाओ ले जाओ। सूजी कहाँ गए हो? ओए लेटी मारदा पे। सूजी आ जाओ, बहर आ जा जी। तस्वीर सूजी मेरे बाबा के पास जा। ये पट्टे एक बार और ही हो जैसे सोनी वे खलोते तीसरा पलो हो। नंदे बच्चे पिछाड़ जा, मेरे चाह पे ताकत का नहीं है, वेख गिर गया ना, खड़ा हो जा। चारा हमने काट लिया, अब इसको ना इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं काटना था, बस थोड़ा सा काटा है। एक तो हमारी जो भैंस है उसको ऐसे ही खिलाना है, क्योंकि अब हमने उसको ना दवाई दी है, जो देते हैं दवाई तो नहीं है, मक्खन, और वो जो मैंने पहले एक दफ़ा दी थी और आज फिर दूसरी डोज दी है, यानी कि दो दवाइयाँ, दो बार हो चुका है, दो दवाइयाँ कह रही हूँ। आजकल मैं खुद दवाई ले रही हूँ ना, तो बस मेरे जहन में दवाई दवाई रहती है। सूजी भी चारा खा रही है, सूजी चारा वंजा छड़े सर। सूजी बेटा आज, सूजी कहाँ गए? हाँ यहाँ पे इनको रख देते हैं और थोड़े से जो है वो कट्टे को डाल देते हैं। ये लो, वैसे तो उन्होंने अभी मुंह उठा लिया कि हमें भी डालेंगे, लेकिन वो ना दूसरा चारा खा के खड़ी हूँ। थोड़ा सा हमने पहले इसको ये काट के जो है वो डाला है।
वो लड़ता। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह शाम हो चुकी है और रोज़ा जो है वो इफ्तार हो चुका है मेरा, आज रोज़ा नहीं था। तो आज का जो व्लॉग है उसका हम यहीं पे एंड करते हैं। बस तबीयत जो है ना वो फिर ऐसे ही ऐसे होती जा रही है, पता नहीं कि गैस की वजह क्या मसला है क्यों ना, वो ऊपर नीबे के गैस की वजह से ना मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। बाकी जी इस व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह अभी मिलेंगे कल नए व्लॉग में। तो आप सब ने दुआ करनी है कि मेरी सेहत जो है वो ठीक हो जाए ताकि हम अच्छे अच्छे व्लॉग जो है वो बना के आप सबके साथ शेयर कर सकें। तो मिलेंगे कल व्लॉग में, तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।